हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका फिनबिज 24 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपके लिए टाटा पावर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिलहाल में इसके कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं और फिर आपको अपडेट बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट कैप 74,000 करोड़, करेंट प्राइस 232, हाई बना चुका है 298 और लो है 108 रुपये। स्टॉक पी 42 है और बुक वैल्यू 70 रुपये है। ये अपने बुक वैल्यू पे भी आया था, बुक वैल्यू से आधे पे आया था अगर आपको याद है तो। डिविडेंड यील्ड 75 है 0.75 और ROC 9%, ROE 8% और फेस वैल्यू 1 है, अब यानी स्प्लिट नहीं होगा। ROC और ROE ऐसे देखने से तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन कंपनी में इस तरह से रिवाइव हो रहा है, कंपनी में इस तरह से बदलाव हो रहा है कि आपको इसको वैल्यू देना पड़ेगा। अब चलते हैं न्यूज पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाटा पावर ने कोल्टे पोर्टल डेवलपर के साथ जो है कि हाथ मिलाया है, और किसके लिए? ईवी चार्जिंग स्टेशन के। जो डेवलपर है कोल्टे पोर्टल डेवलपर, इनको KPDL भी कहा जाता है, एक लीडिंग पुणे बेस्ड रियल इस्टेट डेवलपर है, और इनके साथ टाटा पावर ने समझौता किया है कि आप मेरे चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करने की इजाज़त दो। जो भी इनके प्रोजेक्ट है, जैसे कि कहाँ कहाँ पे इनके प्रोजेक्ट है, तो पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और अदर जगह जहाँ भी ये ओन करेंगे वहाँ पे ये ईवी स्टेशन को भी इंस्टॉल करने की सहमति पे हस्ताक्षर किया है इन्होंने। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1500 पब्लिक एंड सेमी पब्लिक ईवी चार्जर्स डिप्लॉयड, 550 चार्जर के साथ जो है कि टाटा पावर इंडिया की टॉप प्रोवाइडर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन है। मैं आपको बता दूं कि टाटा पावर लीडिंग चार्जिंग प्रोवाइडर है भारत में, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी ये शेयर 180 तक इसका सपोर्ट है, 180 के नीचे हमारे ख्याल से ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा सलूशन लोगों को दे रहा है। टाटा पावर बहुत जल्दी 13,000 प्लस होम चार्जर, जो कि पर्सनल यूज के लिए होगा, और 200 प्लस बस चार्जिंग पॉइंट जो है कि अराउंड इंडिया में लगाएगा, प्रोवाइड करेगा, जिसके साथ ही इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब हम चलते हैं टाटा पावर की दूसरी न्यूज की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टाटा पावर को जो है कि 1731 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है। वो किसके तरफ से? तो सरकारी कंपनी NHPC से ऑर्डर ये मिला है, और ये कौन काम करेगा? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम, जो कि टाटा पावर की सब्सिडरी है, वो काम करेगी। 1731 करोड़ का ऑर्डर मिला है इनको। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आप जैसा कि देखेंगे कि 1731 करोड़ रुपए का 300 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने का ऑर्डर है टाटा पावर सोलर सिस्टम के पास, जो कि टाटा पावर की सब्सिडरी है। एक बार हम क्वार्टर फोर के फाइनेंशियल को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 31 मार्च 2022 तक टाटा पावर ने जो है कि सेल्स की थी 12,219 करोड़ की, और यही जो है कि 19% सेम क्वार्टर पिछले साल जो है कि इनकी बढ़ोतरी हुई थी, पिछले क्वार्टर से 19% की बढ़ोतरी इस साल दिख रही है सेल्स में, और कंपनी ने जो है कि 28% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ शो किया है, और प्रॉफिट निकल के आया है 503 करोड़। तो दोस्तों, यह थी टाटा पावर से संबंधित न्यूज। टाटा पावर अपने 180 इसका एकदम मेन सपोर्ट है, अगर ये तोड़ता है तभी ये 150 तक जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है। जिस तरह से ये कंपनी अपने आप को सर्वाइव कर रही है, अपने आप को विकसित कर रही है, चार्जिंग स्टेशनों में इन्वॉल्व कर रही है, क्योंकि यही भविष्य है, यही फ्यूचर है, तो आप टाटा पावर के साथ जरूर जाइए, एक बेहतरीन शेयर हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।